अंतरिक्ष अन्वेषण का इतिहास। 1957 में पहले कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद से बीते समय के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की यात्रा की है। जांचकर्ताओं ने सौर मंडल का पता लगाया है और अंतरिक्ष में उपकरणों ने अन्य सितारों के आसपास हजारों ग्रहों की खोज की है। हम मनुष्य 4 अक्टूबर 1957 से अंतरिक्ष में कदम रख रहे हैं, जब सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ ने पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया था। यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक शत्रुता की अवधि के दौरान हुआ, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। कई वर्षों से दोनों महाशक्तियां महाद्वीपों के बीच परमाणु हथियार ले जाने के लिए मिसाइलें विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, जिन्हें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें कहा जाता है। यूएसएसआर में रॉकेट डिजाइनर सर्गेई कोरोलेव ने पहला ICBM विकसित किया था, एक रॉकेट जिसे R7 कहा जाता था, जो अंतरिक्ष दौड़ शुरू करेगा। स्पुतनिक के लॉन्च के साथ यह प्रतियोगिता चरम पर पहुंच गई। R7 रॉकेट के ऊपर ले जाया गया स्पुतनिक उपग्रह एक रेडियो ट्रांसमीटर से बीप भेजने में सक्षम था। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद स्पुतनिक ने हर 96 मिनट में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा की। जैसे ही उपग्रह ऊपर से गुजरा, रेडियो बीप का पता जमीन पर लगाया जा सका, जिससे दुनिया भर के लोगों को पता चल गया कि यह वास्तव में कक्षा में है। यह महसूस करते हुए कि यूएसएसआर के पास अमेरिकी प्रौद्योगिकियों से अधिक क्षमताएं हैं जो अमेरिकियों को खतरे में डाल सकती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका चिंतित हो गया। फिर एक महीने बाद 3 नवंबर 1957 को सोवियत ने और भी अधिक प्रभावशाली अंतरिक्ष उद्यम हासिल किया। यह स्पुतनिक 2 एक उपग्रह था जो लाइका नामक एक जीवित प्राणी, एक कुत्ते को ले गया था। स्पुतनिक के लॉन्च से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह लॉन्च करने की अपनी क्षमता पर काम कर रहा था। 31 जनवरी 1958 को एक्सप्लोरर नामक उपग्रह को ले जाने वाले रॉकेट के साथ सफल होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह लॉन्च करने के 2 असफल प्रयास किए। जिस टीम ने यह पहला अमेरिकी उपग्रह प्रक्षेपण हासिल किया, उसमें बड़े पैमाने पर जर्मन रॉकेट इंजीनियर शामिल थे, जिन्होंने कभी नाजी जर्मनी के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित की थीं। अलबामा के हंट्सविले में रेडस्टोन शस्त्रागार में अमेरिकी सेना के लिए काम करते हुए जर्मन रॉकेट इंजीनियरों का नेतृत्व वर्नर वॉन ब्रॉन ने किया था और जर्मन V2 रॉकेट को एक अधिक शक्तिशाली रॉकेट में विकसित किया था, जिसे जुपिटर सी या जूनो कहा जाता था। एक्सप्लोरर विज्ञान प्रयोगों के संचालन के लिए कई उपकरणों को अंतरिक्ष में ले गया। कॉस्मिक किरणों का पता लगाने के लिए एक उपकरण गीजर काउंटर था। यह शोधकर्ता जेम्स वान एलन द्वारा संचालित एक प्रयोग के लिए था, जिसने बाद के उपग्रहों से माप के साथ पृथ्वी के चारों ओर वान एलन विकिरण बेल्ट कहलाने वाले अस्तित्व को साबित किया। 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों को एक नई सरकारी एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में समेकित किया गया था। जब 1958 के अक्टूबर में इसका संचालन शुरू हुआ, तो नासा ने नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स और हंट्सविले में आर्मी बैलिस्टिक मिसाइल एजेंसी सहित कई अन्य अनुसंधान और सैन्य सुविधाओं को समाहित कर लिया। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन थे, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को 108 मिनट की उड़ान में पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा की थी। 3 सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्री एलन शेपर्ड को कक्षीय उड़ान पर नहीं, बल्कि एक उपकक्षीय प्रक्षेप वक्र पर अंतरिक्ष में भेजा, एक उड़ान जो अंतरिक्ष में जाती है लेकिन पृथ्वी के चारों ओर नहीं जाती है। शेपर्ड की उपकक्षीय उड़ान केवल 15 मिनट से अधिक समय तक चली। 3 हफ्ते बाद 25 मई को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए चुनौती देते हुए घोषणा की, मेरा मानना है कि इस देश को दशक खत्म होने से पहले
एक आदमी को जमीन पर उतारने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए, चंद्रमा और उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटाना। पहला कृत्रिम उपग्रह, अंतरिक्ष में पहला कुत्ता और अंतरिक्ष में पहला मानव लॉन्च करने के अलावा सोवियत संघ ने संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे अन्य अंतरिक्ष मील के पत्थर हासिल किए। इन मील के पत्थर में लूना 2 भी शामिल है, जो 1959 में चंद्रमा से टकराने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बनी। इसके तुरंत बाद USSR ने लूना 3 लॉन्च किया। 1961 में गगारिन की उड़ान के 4 महीने से भी कम समय के बाद एक दूसरे सोवियत मानव मिशन ने पूरे दिन के लिए पृथ्वी के चारों ओर एक अंतरिक्ष यात्री की परिक्रमा की। USSR ने पहला स्पेसवॉक भी हासिल किया और वोस्तोक 6 मिशन लॉन्च किया, जिससे वेलेंटीना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली महिला बनी। 1960 के दशक के दौरान नासा ने प्रोजेक्ट जेमिनी नामक एक कार्यक्रम के साथ चंद्रमा पर एक मानव को उतारने के राष्ट्रपति कैनेडी के लक्ष्य की ओर प्रगति की, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर भविष्य की उड़ानों के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया और अंतरिक्ष उड़ान में कई दिनों तक सहने की अपनी क्षमता का परीक्षण किया। प्रोजेक्ट जेमिनी के बाद प्रोजेक्ट अपोलो आया, जो 1968 और 1972 के बीच अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा में और चंद्र सतह पर ले गया। 1969 में अपोलो 11 पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा और नील आर्मस्ट्रांग पहले मानव बने उसकी सतह पर पैर रखने के लिए। लैंडिंग मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चट्टानों और चंद्र धूल के नमूने एकत्र किए, जिनका वैज्ञानिक अभी भी चंद्रमा के बारे में जानने के लिए अध्ययन करते हैं। 1960 और 1970 के दशक के दौरान नासा ने मेरिनर नामक अंतरिक्ष जांच की एक श्रृंखला भी शुरू की, जिसने शुक्र, मंगल और बुध का अध्ययन किया। अंतरिक्ष स्टेशनों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले चरण को चिन्हित किया। पृथ्वी की कक्षा में पहला अंतरिक्ष स्टेशन सोवियत सैल्यूट 1 स्टेशन था, जिसे 1971 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद नासा का स्काईलैब अंतरिक्ष स्टेशन आया, जो पहली कक्षीय प्रयोगशाला थी, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और मानव शरीर पर अंतरिक्ष उड़ान के प्रभावों का अध्ययन किया। 1970 के दशक के दौरान नासा ने प्रोजेक्ट वाइकिंग भी चलाया, जिसमें 2 यान मंगल ग्रह पर उतरे, कई तस्वीरें ली, मंगल ग्रह की सतह के वातावरण की रसायन शास्त्र की जांच की और सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति के लिए मंगल ग्रह की गंदगी का परीक्षण किया। 1972 में अपोलो चंद्र कार्यक्रम समाप्त होने के बाद से मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कम पृथ्वी की कक्षा तक सीमित हो गया है, जहां कई देश भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अनुसंधान करते हैं। हालांकि बिना पायलट वाले जांच हमारे सौर मंडल में यात्रा कर चुके हैं। हाल के वर्षों में जांचों ने कई खोजें की हैं, जिनमें बृहस्पति का चंद्रमा, जिसे यूरोपा कहा जाता है, और शनि का चंद्रमा, जिसे एनसेलेडस कहा जाता है, की सतह पर बर्फ के नीचे महासागर हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां जीवन हो सकता है। इस बीच अंतरिक्ष में मौजूद उपकरण जैसे कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप और जमीन पर मौजूद उपकरणों ने हजारों एक्सोप्लैनेट, अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज की है। एक्सोप्लैनेट खोज का यह युग 1995 में शुरू हुआ और उन्नत तकनीक अब अंतरिक्ष में उपकरणों को इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल की विशेषता बताने की अनुमति देती है।